हेलो डियर माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? मित्रांनो, समथिंग इज बेटर दॅन नथिंग, समथिंग इज बेटर दॅन नथिंग. कुछ कुछ भी ना करने से अच्छा है कुछ कुछ भी ना करने से अच्छा है कुछ तो किया जाए, प्रयत्न किया जाए, ट्राई किया जाए. खाली बिली बैठने से अच्छा है ना, खाली बिली बैठने से अच्छा है कि कुछ करके बैठ जाए. ऐसे ही खाली भी बैठने से अच्छा है कि कुछ करके बैठ जाए. ट्राई करना अपना काम है, अपना काम जितना अपना काम है उतना काम करने का. गाइस, आज आप सबको पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ नथिंग. नथिंग का यूज पढ़ने वाले. नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं. मेरे पास कुछ भी नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं, वहां पे कुछ भी नहीं, मेरे घर कुछ नहीं, मेरे स्कूल कुछ नहीं. स्कूल में बहुत कुछ रहता है भाई. मेरे जेब में कुछ नहीं, मेरे बाइक में कुछ नहीं. ऐसे जब रहते हैं ना, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तब यूज ऑफ नथिंग का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है. आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है. हैव हैज हैड, हैव हैज हैड, इसका यूज पास में, पास है ये बताने के लिए किया जाता है. मतलब हैव हैज हैड ये ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं, ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं. मैंने ये वीडियो बनाया है, लेकिन हिंदी में नहीं बनाया है, मैंने ये वीडियो इंग्लिश मराठी में बनाया है. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जितना समझ में आएगा उतना देख लेना, नहीं आएगा समझ में तो मुझे उसी वीडियो पे कमेंट करके बता देना कि हिंदी में बताओ करके, मैं हिंदी में बता दूंगा. आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है. इसका और एक सेंटेंस है, मतलब वैसा ही अर्थ है, वैसा ही सेंस है, लेकिन आई डोंट हैव एनीथिंग, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है. आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है. आई डोंट हैव एनीथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है. दोनों दोनों सेंटेंस का सेंस सेम है. तो फिर यहाँ पे नथिंग यूज किया, यहाँ पे नथिंग यूज क्यों नहीं किया? ये नथिंग बोले तो ये निगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है. वो निगेटिव वर्ड है, नथिंग है निगेटिव वर्ड है, ये निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है. वो नकारात्मक शब्द है और नकारात्मक वाक्य में उसका उसका प्रयोग किया जाता है. तो फिर इसमें आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है. आई डोंट हैव एनीथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है. डोंट हैव एनीथिंग मतलब नॉट एनीथिंग, नॉट एनीथिंग, नॉट एनीथिंग, ये दो दो वर्ड है ना, नॉट एनीथिंग, ये दो वर्ड नॉट एनीथिंग, ये दो वर्ड का जो सेंस है वो सेंस ये अकेला मैनेज कर रहा है. आई नो नथिंग, मुझे कुछ भी पता नहीं. आई नो नथिंग, मुझे कुछ पता नहीं. आई नो नथिंग, इसे इसे दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं अपन. आई डोंट नो एनीथिंग, आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे कुछ भी पता नहीं. इस दोनों सेंटेंस का सेंस एक ही है, लेकिन डू नॉट एनीथिंग मतलब Do not anything मतलब nothing. Do not anything मतलब nothing. इसमें भी do not ये दो वर्ड का काम अकेला nothing कर रहा. Do not anything, not anything का काम अकेला nothing कर रहा. यहाँ पे दो वर्ड यूज किए जाते हैं, यहाँ पे अकेला अकेले से काम चल जाता है. He she has nothing. He लगाओ या she लगाओ. He has nothing और she has nothing. इसमें भी अपन दो और में भी मतलब दूसरे तरीके से भी अपन सेंटेंस लिख सकते हैं. शी डजंट हैव एनीथिंग, ही डजंट हैव एनीथिंग. यहाँ पे हैव लगाया, यहाँ पे हैव था तो यहाँ पे हैव लगाया, यहाँ पे लेकिन यहाँ पे हैज है तो यहाँ पे हैव क्यों नहीं है? ये मैंने वीडियो बनाया है, हैव हैज हैड, इसका मतलब पास में, ये मेन वर्ब से मेन वर्ब का भी काम करता है. लेकिन ये वीडियो मैंने मराठी में बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जितना समझ में आता है उतना देख लेना, बाकी का कमेंट करके बता देना कि हिंदी में भी वीडियो चाहिए करके. तो जब डू डस डिड का यूज करते ना, तब अपन ये वर्ब वन का यूज करते. तो शी डजंट हैव एनीथिंग मतलब उसके पास भी कुछ नहीं है. इस तरह से नथिंग का यूज किया जाता है. नॉट एनीथिंग बोलो या नथिंग बोलो, दोनों सेम ही है, लेकिन नथिंग कम में बम आवाज करना अपना काम है ना, कम में बम आवाज करना अपना काम ही है. वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो,
शेयर करो, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके और टन 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 घंटी बजाओ, जो कि मेरा वीडियो अपलोड होने के बाद आपके मोबाइल की भी घंटी बज जाए। नमस्कार।